Morning friends, the second element of directing function is motivation. We start with motivation. It refers to a process of stimulating and inspiring people at work to accomplish desired goal. मोटिवेशन एक इनर साइकोलॉजिकल फोर्स है जो किसी पर्सन को एक्टिव करता है कि वह एक पर्टिकुलर काम किस तरीके से करे। जैसे एज ए स्टूडेंट आपने बहुत बार सुना होगा कि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इंटेलिजेंस है, कैपेसिटी है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस आपके इंटेलिजेंस से मैच नहीं होता। इसलिए टाइम टू टाइम आपके टीचर्स और पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं। जैसे टीचर्स कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, यदि आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो हो सकता है टॉपर्स लिस्ट में आओ, फिर आपका नाम न्यूज़पेपर में आएगा, स्कूल की तरफ से आपको अवार्ड्स मिलेंगे। पेरेंट्स कहते हैं कि आपने यदि इतने परसेंटेज स्कोर कर लिए तो आपको टू व्हीलर दिला देंगे, मोबाइल फ़ोन दिला देंगे। सो ये टीचर्स और पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, ये आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, ये आपको आपका पोटेंशियल 100% यूज करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज भी ट्रेंड, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनमें वह स्पार्क नहीं होता, वे लेजी फील करते हैं, काम करना नहीं चाहते। इसलिए मैनेजर्स उन्हें मोटिवेट करते हैं ताकि वे अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को दे और इससे ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों बेनिफिटेड हो। नाउ देयर आर थ्री एलिमेंट्स, थ्री रिलेटेड टर्म्स ऑफ मोटिवेशन। द फर्स्ट इज मोटिव। इट रेफर्स टू इनर स्टेट और डिजायर विच एक्टिवेट्स, कंपेल्स एंड डायरेक्ट्स द इंडिविजुअल टू बिहेव इन द डायरेक्शन ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल्स। हर इंडिविजुअल की कुछ नीड्स होती है, डिज़ायर होती है, और यही नीड उसकी मोटिव बनती है, उसकी ड्राइव बनती है। जैसे इफ देयर इज अ नीड ऑफ फूड, इट विल क्रिएट हंगर ड्राइव एंड देन द पर्सन विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर फूड। इसी तरह थर्स्ट ड्राइव, सेफ्टी ड्राइव, रिकग्निशन ड्राइव, कंफर्ट ड्राइव, नॉलेज ड्राइव भी हो सकती है। द सेकेंड इज मोटिवेशन। Motivation is a process of stimulating and inspiring people at work to accomplish desired goals. Motivation एक complete process है जो किसी person को motivate करती है, stimulate करती है कि वह अपना काम किस तरीके से करे, क्या उसका target है जो उसे achieve करना है। जब तक यह goal achieve नहीं होता तब तक उस पर्सन का मोटिवेशनल लेवल लो नहीं होना चाहिए। द थर्ड इज मोटिवेटर। इट इज द टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेटर यानी यह एक टेक्निक है, जैसे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यानी कि आपको इंक्रीमेंट, बोनस, कमीशन मिलेगा। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स means recognition, awards. So, I hope you have understood the related terms of motivation. Now, we start with motivation process. Motivation process is based on human needs. An unsatisfied need creates tension, which stimulates his drive. For example, if a person is hungry, there is need of food. Then it creates tension, restlessness in the mind of person, and it stimulates the hunger drive or the hunger motive. In the same way, the need of water will create thirst drive, comfort drive, safety drive. There may be knowledge drive also. Now, whenever there is a drive like hunger drive, the person will start searching for food. He will go to a restaurant and find many varieties of food, South Indian, North Indian, Chinese, Italian. Now he has to select one option. When he consumes it, his need is satisfied and there is reduction of tension. Now motivation is a continuous process. क्योंकि एक नीड सेटिस्फाइड हो जाने के बाद दूसरी नीड अराइज हो जाती है और फिर से मोटिवेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो मोटिवेशन इज कंटिन्यूअस इन नेचर ऑल्सो।
Now we'll start with features of motivation. The first feature is motivation is an internal feeling. मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फोर्स है या इंटरनल फीलिंग जैसे डिजायर नीड एस्पिरेशंस है जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. द सेकेंड इज मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. जैसे हमारी इंटरनल फीलिंग नीड डिजायर ही हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, इसका मतलब हमें मोटिवेट करती है. जैसे आपकी विश है कि आपको स्कूल टॉपर्स लिस्ट में आना है, मेरिट लिस्ट में आना है, यू वांट अ न्यू कार, न्यू मोबाइल फोन, सो आपकी यह नीड आपकी यह विश जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा आपका मोटिवेशनल लेवल भी होगा और यह आपको गोल अचीव करने के लिए मोटिवेट करेगा. सो मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. द थर्ड इज मोटिवेशन कैन बी इधर पॉजिटिव और निगेटिव. यह मोटिवेशन पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव जैसे पॉजिटिव रिवॉर्ड्स, इंक्रीमेंट इन सैलरी, बोनस, कमीशन, रिकग्निशन, ऑनर इन द असेंबली एक्सेट्रा. निगेटिव मोटिवेशन इज इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, डिमोशन एक्सेट्रा. फोर्थ, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर. आर एटीट्यूड परसेप्शन बिहेवियर डज नॉट मैच. सो एक ही मोटिवेशनल टेक्निक हर पर्सन पे यूनिफॉर्म वे में काम नहीं करती. इसके अलावा हर पर्सन पे एक ही मोटिवेशनल टेक्निक हर समय काम करेगी ऐसा भी जरूरी नहीं है. सो मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. Now we start with motivation theories. Many management thinkers have given their own theories, but among them, Maslow's need hierarchy theory is very famous. Abraham Maslow was an eminent US psychologist. He has said that a human being has a varieties of needs. Yahi need kisi person ko motivate karti hai. So Maslow ne किसी पर्सन की नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जो बेसिक नीड्स से स्टार्ट होकर हायर लेवल नीड्स पर जाती है. पर्सन सबसे पहले अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई करता है और उसके बाद ही नेक्स्ट लेवल नीड पर मूव होता है. सो वी स्टार्ट विद द बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड. In case of an individual, it is the food, clothing and shelter which motivates a person. मीन्स पर्सन सबसे पहले अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को अरेंज करता है. यही नीड उसे सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है. इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज द बेसिक सैलरी मॉनेटरी इंसेंटिव. किसी भी एम्प्लॉय के लिए बेसिक सैलरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है. उसके बाद कमीशन बोनस अलाउंसेस अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स motivator person. After satisfying this basic need, the person moves towards safety or security need. Means the physical safety, emotional safety in case of an individual. Physical safety means the safety of the body, the safety from the illness, harm to the body, etc. Financial security means यह person के पास हमेशा कुछ stable income रहे. Financial security. In case of an employee, it is the pension plan, job security, stability of income. जैसे employees अपनी old age के लिए pension plans चाहते हैं. वे चाहते हैं कि उनका job secure रहे, permanent job रहे. Stability of income यानी एक fixed income हमें उन्हें regularly मिलती रहे. After satisfying this safety need, the person moves towards social or affiliation need. In case of an individual, it is the love, friendship, social interaction, acceptance in the family, in the society. हर पर्सन चाहता है कि कुछ लोगों के साथ वह रहे, lonely feel ना करे, उसका भी एक group हो, family हो. In the same way, in the organization, employees want cordial relation with colleagues, informal groups.
ताकि उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन मिले, वे लोनली फील ना करें। आफ्टर सेटिस्फाइंग दिस सोशल नीड द पर्सन मूव टुवर्ड्स एस्टीम नीड। एस्टीम नीड मीन्स स्टेटस, सेल्फ रिस्पेक्ट, अटेंशन, जो हम अपनी फैमिली से चाहते हैं, अपनी सोसाइटी से चाहते हैं कि हमें कोई रिकग्नाइज्ड करे, हमें कोई जाने पहचाने, हमारा भी रिस्पेक्ट हो। इन द ऑर्गेनाइजेशन इट इज प्रमोशन, जॉब टाइटल, ऑटोनॉमी, रिकग्निशन। हायर लेवल एम्प्लॉयज आर मोर मोटिवेटेड बाय द एस्टीम नीड। वे अपना प्रमोशन चाहते हैं, गुड जॉब पोजिशन, जॉब टाइटल, स्टेटस चाहते हैं। ऑटोनॉमी मीन्स मोर पावर्स एंड रिकग्निशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। द हाइएस्ट लेवल ऑफ नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल इट इज द ग्रोथ एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। जैसे आपने कुछ फेमस पर्सनालिटीज, सेलिब्रिटीज के केस में देखा होगा कि उनके पास नेम, फेम, मनी सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं। तो वे किस चीज के लिए इतना ज्यादा हार्डवर्क करते हैं? उनके पास सब कुछ तो है, वे करते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हार्डवर्क, अपने आप को प्रूफ करने के लिए, लाइफ में कुछ अलग, सबसे अलग करके दिखाने के लिए। दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इन केस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज द चैलेंजिंग जॉब एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स। आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयज इन्वेंशन, इनोवेशन करते हैं, रिस्क लेते हैं, चैलेंजिंग जॉब करते हैं, अपने गोल को अचीव करके ही रहते हैं। सो दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड विच मोटिवेट्स दैट पर्टिकुलर पर्सन। नाउ फ्रेंड्स, एग्जाम में यदि आपको मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी पूछी जाए तो आप यह फ्लो चार्ट बना के एग्जाम्पल्स के साथ उसे एक्सप्लेन करेंगे। अब कोई भी थ्योरी अजम्पशंस के बिना प्रूव नहीं होती। देयर आर ऑल्सो फोर अजम्पशंस रिलेटेड टू मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी विच यू हैव टू राइट कंपल्सरीली। द फर्स्ट अजम्पशन इज मास्लो के अनुसार कोई भी पर्सन का बिहेवियर नीड से ही इन्फ्लुएंस होता है, यही नीड्स पर्सन को मोटिवेट करती है। सेकेंड, यह नीड का एक ऑर्डर है जो बेसिक नीड से स्टार्ट होकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर मूव होता है। थर्ड अजम्पशन, एक नीड सेटिस्फाई हो जाने के बाद वह किसी पर्सन को मोटिवेट नहीं करती, मीन्स अनसेटिस्फाइड नीड मोटिवेट अ पर्सन। द फोर्थ, पर्सन को बेसिक नीड सेटिस्फाई करने के बाद ही वह सेफ्टी नीड पर मूव होता है, यानी लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई होने के बाद ही कोई भी इंडिविजुअल नेक्स्ट नीड पर मूव होता है। सो दीज आर द फोर अजम्पशंस विच यू हैव टू राइट इन एग्जाम। नाउ मास्लोस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि किसी भी पर्सन का बिहेवियर उसकी नीड से इन्फ्लुएंस होता है और यही नीड्स हमें मोटिवेट भी करती है। बट देयर आर फ्यू क्रिटिसिजम्स रिलेटेड टू मास्लोस थ्योरी ऑल्सो। क्रिटिसाइजर्स ने कहा कि इन नीड का कोई ऑर्डर नहीं होता, पर्सन टू पर्सन यह नीड का ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। जैसे आपने टेलीविजन पर गेम शोज या कॉम्पिटिशन्स में देखा होगा कि किसी पर्सन की बेसिक नीड भी सेटिस्फाई नहीं हुई है, उसके पास कोई फाइनेंशियल और फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है, सोसाइटी में उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन उस इंडिविजुअल के पास कोई स्पेशल क्वालिटी, स्किल है, उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, वह लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहता है और यही स्पेशल क्वालिटी उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के लिए मोटिवेट करती है और वह किसी एक गेम शो या कंपटीशन या रातों रात इस स्किल से बहुत फेमस हो जाता है। इसी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के कारण उसकी बाकी सभी नीड्स भी अपने आप सेटिस्फाई हो जाती है। इसका मतलब उस पर्सन के लिए यह बेसिक नीड कोई मायने नहीं करती, वह तो लाइफ में कुछ डिफरेंट अचीव करके दिखाना चाहता। आई होप यू हैव अंडरस्टूड मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
If you like this video, like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get latest notifications. Thank you.